कॉफ़ी है कॉफ़ी हाँ? जुदू नहीं है ये दुदू ये है हाँ? और ये क्या है ये क्या है मामा के पास क्या है कॉफ़ी बोलो कॉफ़ी नहीं कॉफ़ी <laughs> अस्सलाम वालेकुम एवरीवन क्या हाल है आप सबके उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तो यहाँ पे ना सुबह का वक्त था मैंने अपने लिए बनाई कॉफ़ी बड़ा दिल कर रहा था आज मेरा पीने का और वो लेके आ गई मैं छत पे इतनी को मज़े की धूप निकली हुई है ना आज कल बस यही टाइम है धूप इंसान इंजॉय कर ले उसके बाद मौसम बदल गया ना तो फिर इस धूप में बिल्कुल बैठा ही नहीं जाएगा और मैं ऊपर आई तो ये नवाब साहब जो है मुझसे पहले ही ऊपर आके बैठा हुआ था अच्छा इसको मौका चाहिए जैसे ही ऊपर का दरवाज़ा खुलता है ये भाग जाता है अच्छा कभी कभी बड़ा दिल करता है इंसान सुकून से आके बैठे आसमान की तरफ देखे और इधर उधर देखे कि क्या चल रहा है तो बड़ा कोई सुकून मिलता है दिल को भी और ऐसे माइंड जो है ना वो तो एकदम से फ्रेश हो जाता है अच्छा इसको पता नहीं क्या सूझी पहले तो ये मेरे पाँव में ना गोल गोल घूमना शुरू हो गया था और फिर जब मैं क्लिप बनाया तो भाग के साइड पर जाके बैठ गया खैर मैंने की अपनी कॉफी एंजॉय और उसके बाद में आई नीचे मैंने कहा चले साथ ही जो है ना वो लॉन्ड्री का लोड लगा लेती हूँ अच्छा आज ना पहले एक तो कल भी लाइट गई रही सारा दिन और आज भी सुबह लाइट चली गई मैंने कहा चलो मैं कपड़े वगैरह अलग करके रखती हूँ शायद आ जाएगी लेकिन यकीन करें इंतज़ार करती रही लाइट आई रात को जाके यानी कि शाम को छः बजे खैर इतनी देर में नमाज़ का भी टाइम हो गया था मैं फिर आगे नीचे मैंने कहा चलो जब आएगी ना लाइट तो फिर देखा जाएगा नमाज़ वगैरह मैंने अदा की और उसके बाद फिर मैंने कहा टाइम है मेरे पास मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ मुस्तफ़ा ना गया हुआ था नानों की तरफ तो बस अच्छा इसको आजकल बड़ा होता है एकदम ही उठेगा और कहेगा बस मैंने नानो घर मैंने नानो घर तो पता नहीं इसको क्या शौक शौकार वहाँ पाँच से दस मिनट बैठेगा और उसके बाद कहेगा कि बस अब मैंने घर जाना है तो थोड़ा सा ही मैंने कुरान पाक पढ़ा था तो मुस्तफ़ा आ गया खैर उसके बाद फिर उसको नींद भी आई हुई थी उसके सोने का टाइम था उसको सुलाया और अब ये जो है ना ये डायरेक्ट तकरीबन शाम का ही टाइम है क्योंकि मैं खुद लेट गई थी मैं भी बहुत थकी हुई थी तबीयत ना मेरी अपनी भी ठीक नहीं थी आजकल बस हम सब घर वालों का कुछ ऐसा ही हाल चल रहा है वो होता है न एक दफ़ा एक राउंड लेते हैं सारे बस यही आज आजकल ना हम सबका हाल हुआ वह अच्छा लास्ट भी वीडियो में जब मैंने वॉइस ओवर किया ना यकीन करें मैंने बहुत मुश्किल से वो वॉइस ओवर किया था मैं थोड़ा सा बोलती थी ना मुझे सांस चढ़ जाता था और आ, मतलब नोज़ तो बिल्कुल ब्लॉक हुई हुई थी कि यकीन करें मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था और जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उन्होंने मुझे फ़ॉरन कमेंट करके कहा कि आपकी भी आवाज़ ठीक नहीं लग रही है तो मुझे एक तो इतनी खुशी भी हुई ना कि मतलब आप लोग इतनी इतनी बातों को भी नोट करते हैं मुझे लगता था कि मतलब मुझे इतना कोई नोट नहीं करता होगा इतनी कोई ख़ास वीडियोज़ तो होती नहीं है ज़ाहिर डेली रूटीन होती है खैर जब आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं और आप आगे से मोटिवेट करते हैं ना तो फिर दिल भी करता है कि उठें और वीडियो बनाएं और कोशिश की जाती है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट डाला जाए खैर अब मुस्तफ़ा यहाँ ना सो के उठ गया था अब समझ नहीं आ रही थी क्या बना के दूँ और मेरी कोशिश कुछ ऐसा बना दूँ जो थोड़ा सा भी खा लेना तो मुझे हो के चलो इसके पेट में कुछ तो गया कुछ हेल्दी गया है तो ये फ्रेंच टोस्ट हैं जो थोड़े शौक से खा लेते हैं और मैं क्या करती हूँ कि मैं ना इसको बिल्कुल छोटा छोटा सा कट कर देती हूँ बाइट साइज़ में बाइट साइज़ में कर बाइट साइज़ में ये होता है कि वो ना फिर फोक की हेल्प से ना इजीली खा लेते हैं अच्छा खाया तो नहीं था इसने पूरा नहीं खाया था लेकिन दो से तीन जो है ना इसे निवाले इतने ले लिए थे कि इतने इसने खा लिया था कि मुझे तसली होगी कि चलो कुछ तो खाया है क्योंकि तबियत ख़राब हुई आपको पता है हम बड़ों की तबीयत ख़राब हो जाए तो एक तो मुँह का ऐक़ा भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है समझ ही नहीं आती क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे और फिर नोज़ ब्लॉक हो जाए ना तो खाते हुए वैसे सांस बंद होता है छोटे बच्चों आपको पता है कि सबसे पहले तो खाना पीना जो है ना वो छोड़ देते हैं तो बस ये देखने छोटे छोटे से जो है ना मैंने बाइट साइज के बनाए और इसमें से भी इसने थोड़े से ही खाए थे खैर मेडिसिन वग़ैरह मैं उसको दे रही हूँ तो अब रिकवरी की तरफ है और इन शाला एक दो दो दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो आप सब भी दुआ कीजिएगा अच्छा यहाँ पे ना फिर मैंने मुस्तफ़ा को खाना वगैरह बना के दिया उसके बाद मैं ख़ुद भी आ गई किचन में कि मैंने कहा चले खाना बना लेती हूँ काफ़ी टाइम हो रहा था मतलब मैं जब सोई हूँ और मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कितनी देर सोई रही हूँ मुस्तफ़ा भी सो गया मैं भी सो गई मिनाहिर हम सारे जो है ना वो सो गए और हसन शान माशा अब इतने बड़े हैं इस एज में है कि अगर हम सोए भी हो ना तो फिर वो तंग नहीं करते उन्हें जो चाहिए होता है वो ले लेते हैं खैर अब मैं किचन में आई और खाना वगैरह मैंने बनाया मैंने कहा रोज़ मेरा बेटा कहता है लालू मटर लालू मटर तो आज हम लालू मटर बना ही लेते हैं तो बस फिर आज ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी आलू और मटर पड़े हुए थे और इस टाइम तक ना तकरीबन शाम भी हो गई हुई थी मगरब का टाइम हो गया था तो बस घर में पड़ी हुई चीज़ों से ही मैंने जो है ना आज खाना बनाया कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको समझ ही नहीं आ रही होती आप क्या बनाएं क्या बनाएं जितना मर्जी सोच लें कुछ भी आपको जहन में आए तो बच्चे कहते हैं हम नहीं खाने हमने नहीं खाना हस्बैंड कहते हैं हमने नहीं खाना तो बस कुछ यही सिचुएशन जो है ना आजकल चल रही है मेरे घर में मेरे बच्चे जो हैं वो सब्जियां नहीं खाते और हस्बैंड ने मेरे खैर से कह दिया कि थोड़े दिनों तक मुझे ना मैं गोश्त वगैरह भी नहीं मैंने खाना अब मेरी समझ नहीं आती मैं क्या बनाऊँ तो फाइनली मैंने मुस्तफा की फरमाइश पर यह लालू मटर बना तो लिए <laughs> हालाँकि उस खाना तो होता नहीं है ये और जरा सी भी स्पाइसिस हों तो वो वैसे ही नहीं खाता अच्छा खाना वगैरह यहाँ मैंने रखा बनने के लिए रखा और इस टाइम तक ना सात से ऊपर ही टाइम हो रहा था तो लाइट आई थी छः बजे और मुझे पता नहीं क्या सूझी मैंने कहा कहना ये कपड़े जो है ना मैं ये बस धो लेती हूँ बेडशीट्स काफ़ी सारी इकट्ठी हुई हुई थी यकीन करें लास्ट टाइम भी नहीं मैंने वॉश की थी और ये मतलब दो एक ऐसा हुआ है कि दो तीन राउंड लग गए हैं कपड़ों के लेकिन बेडशीट्स नहीं वॉश होती थी तो बस आई तो इसी इरादे से थी कि पहले मुस्तफ़ा और मिनाहिल के कपड़े धोंगी और फिर बेडशीट शीट और मौसम देख लें मतलब रात अच्छी खासी हो रही थी लेकिन जब मैंने मुस्तफ़ा के कपड़े और मिनाहल के कपड़े धोए ना उसके बाद मेरी अपनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बेड शीट्स भी धोऊं बस ये दो तीन चक्कर ही मैंने लगाए और एक तरफ से इतनी तसल्ली हो गई कि चलो सुबह तक जो है ना वो मिनाहल और मुस्तफा के कपड़े ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैं ना बाकी कपड़े जो हैं वो वॉश कर लूँगी और इरादा मैंने यही किया हुआ था कि सुबह इंशाल्लाह जो है ना मैंने बस धो लेने हैं खैर उसके बाद फिर कपड़े धोते धाते जो है ना मुझे तकरीबन साढ़े आठ पौने नौ का टाइम हो ही गया था फिर मैं नीचे आई और बच्चों को भी इस टाइम तक भूख लग रही थी तो मैं आगे किचन में रोटियां वगैरह बनाने के लिए इस तरफ दूध बॉयल करके रखा हुआ है और बस बीच में जो है ना ये कुछ इस तरह का सालन हो गया था कि मैं जब ऊपर कपड़े धोने गई ना तो बस थोड़ा सा है ना वो शोरबा ज़्यादा ड्राई हो गया लेकिन खैर इतना शोरबा मेरे बच्चे वैसे भी पसंद नहीं करते हैं और इसमें से उन्होंने मटर तो वैसे ही निकाल देने सिर्फ आलू और शोरबा ही खाना है और मैंने जो है ना उनके बच्चे हुए सारे मटर खाने हैं तो जितनी देर में रोटियाँ वगैरह मैंने बनाई हस्बैंड भी आ गए अच्छा मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि कितनी देर में आना है फिर मैं खाना बनाती हूँ तो वो आते हैं और फिर हम ना इकट्ठे मिल के बैठ के खाना खाते हैं कोशिश ये होती है कि रात के टाइम ना हम इकट्ठे मिल के खाना खाएँ अच्छा ऐसे है कि आजकल मैंने बताया ना कि सबकी ही तबीयत थोड़ी सी जो डाउन जा रही है तो मुस्तफा की तो ख़राब है ही साथ मेरा भी जो है वो फ्लू हुआ हुआ है और हसबैंड हम दोनों का जो है ना बुरा हाल हुआ हुआ था तो मैंने ना बस ये जो शानदार बनाया मैंने कहा चले इसको ना बनाती हूँ शायद थोड़ा सा सुकून मिले लेकिन पता नहीं क्या हुआ मेरे ये पी के मज़ीद जो है ना मेरा दिल अजीब सा ही होने लग गया था तो शायद वो मुंह का जो टेस्ट है या वो ख़राब हुआ वे, क्या है क्या वजह है खैर अच्छा मैंने अच्छे से जो है ना वो चाय को पकाया मैंने कहा ज़रा तुम तो मज़ेदार सी ना चाय पी जाए तबीयत ऐसी ख़राब हो ना तो दिल करता है कि चाय पी जाए और अब आप भी सुन सुन के थक गए होंगे कि तबीयत ख़राब है तबीयत खराब है एक्चुअली वो जो डेली हो रहा होता है हमने वही दिखाना होता है तो खैर यहाँ पे बस मैंने अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी जो है ना वो अच्छे से मग भर के चाय बनाई और साथ साथ दोनों ने हमने मिलकर जो है वो जो शानदा पी और पीछे आप मेरे बेटे की हरकतें देख लें इसको पता था कैमरा ऑन आता थो थोड़ी थोड़ी देर बाद आता था और कोई ना कोई शक्ल बना के जो है ना वो चीज़ें देख लें चला जाता था कि मामा जब क्लिप देखेंगी तो उन्हें पता चलेगा तो खैर यहाँ पे जो है वो चाय भी हमारी मज़ेदार से बन के रेडी हो गई चाय वगैरह मैंने इंजॉय की और उसके बाद ना फिर मिनाहिल को लेके बैठ गई थी क्योंकि शाम में मैंने आपको बताया ना ये सो गई थी तो ये रहा ना तकरीबन रात के दस ग्यारह बजे का ही टाइम था अब जैसे ये रात को सो गई थी ना तो इसको इस टाइम नींद नहीं आनी थी और मुझे पता था कि अभी जो है ना वो थोड़ी बहुत फ्रेश होगी तो मैंने भी अच्छे से जो है ना इसको पढ़ाया और यहाँ तक जो है वो मेरी आज की वीडियो थी अल्लाह हाफिज़